कोरल डॉ ग्राफिक्स एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है जो वेक्टर इमेज बनाता है। आप नेट में देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये वेक्टर इमेज है जो आप किसी ब्राउजर में या गूगल में सर्च करके देख सकते हैं वेक्टर इमेज क्या होता है। इस तरह का डिजाइन कोरल में बनाया जाता है। इसमें लगभग इमेज है कार्टून टाइप का, इस तरह का इमेज बना सकते हैं या कोई भी लाइन दे करके, ये सब वेक्टर इमेज में आता है। अगर आप कोरल को खोलते हैं तो कोरल के सबसे ऊपर वाले पार्ट में देखिएगा मेनू बार रहता है जहाँ पे बहुत सारा मेनू है। उसके नीचे रहता है स्टैंडर्ड बार, स्टैंडर्ड बार के नीचे रहता है आपका प्रॉपर्टीज बार। आप जो टूल्स यूज कर रहे हैं या पेज यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज वहां पे वो खुलता है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वो टूल बॉक्स होता है जो कोरल का देखा जाए तो सबसे मेन पार्ट है। कोरल का काम उसी टूल से होता है लगभग। राइट साइड में देखेंगे तो आपको कलर्स मिलेगा। अब बीच में जो रहता है वो पेज रहता है। आपको जिस तरह का डिजाइन बनाना है उस तरह के डिजाइन के अनुसार अपना पेज का साइज आप सेटअप कर सकते हैं। कोरल में और एक चीज है जो जानना चाहिए, जैसे कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है वो कलर कर दिया ब्लू, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया उसका कलर कर दिया पिंक। अगर मैं इसके ऊपर मैं इसको लेके आता हूँ और चाहता हूँ कि पिंक इसका पीछे चला जाए और ये ब्लू ऊपर आ जाए, तो जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे सेंड टू बैक का ऑप्शन आएगा, और इसको फिर सिलेक्ट करूँगा तो टू फ्रंट ऑफ लेयर आएगा। ये सिर्फ पेज अप पेज डाउन करने से होता है, या राइट क्लिक करके भी सेंड टू ऑर्डर सेंड टू बैक कर सकते, ये भी जानना जरूरी है। अगर किसी इमेज में कोई भी डिज़ाइन को या किसी भी शेप को आगे या पीछे करना किसी शेप का, तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं। कोरल चलाने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ जानना चाहिए, जैसे कि रेक्टेंगल बनाना, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको कंट्रोल दबा करके ये स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह से सर्कल बनाना, तो ये रहा सर्कल हुआ, ओवल बन गया। वैसे परफेक्ट सर्कल बनाना तो कंट्रोल दबा करके ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। अगर मान लो ये रहा पिक टूल लिया, तो मेरे को ये रेक्टेंगल कॉपी करना है, तो दूसरे जगह में ले जाकर इसको राइट क्लिक करूँगा, तो कॉपी हो जाएगा। ये रहा इसको लेके गया, क्लिक को नहीं छोड़ूंगा, क्लिक को दबा कर रखूंगा, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा, ये कॉपी हो जाए। और अगर इस रेक्टेंगल के भीतर या इस स्क्वायर के भीतर मैं अगर और एक स्क्वायर बनाना चाहूं, तो ऐसे साइड से टानूंगा तो ऐसे छोटा होगा, अगर सिर्फ दबा कर टालता हूं तो परफेक्ट साइज का छोटा होगा, राइट क्लिक करूंगा तो कॉपी हो जाएगा। देखो ये क्लिक करके रखा, अब राइट क्लिक दबा रहा, हो गया। फिर सर्कल, सर्कल के बाहर एक सर्कल बनाता हूँ, राइट क्लिक किया, कॉपी हो गया, हो गया परफेक्ट। अब उसके बाद इसमें अगर कलर करना किसी में, ये देखो कलर करना है, तो क्लिक करो कलर, कलर इसमें ब्लू कलर करता हूँ। इसका अगर बॉर्डर कलर चेंज करना है या इसका बॉर्डर कलर चेंज करना है, तो किसी भी कलर राइट क्लिक करूँगा तो उसका बॉर्डर कलर चेंज हो जाएगा। ये कुछ एक बेसिक चीज है कोरल में जो आना चाहिए। उसके बाद सीखेंगे बाकी टूल, जिसमें से है शेप टूल। शेप टूल यूज करने से पहले सबसे पहला काम करना पड़ेगा कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। कन्वर्ट टू कर्व यहाँ से कर सकते हैं, ये इसका प्रॉपर्टीज बार से राइट क्लिक करके कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू दबा के कर सकते हैं, या अरेंज में जाकर के कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आप इस पॉइंट को किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। अगर आपने कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया है, मान लीजिए
लीजिए इस रेक्टेंगल में मैंने नहीं किया, अगर इस पॉइंट को मैं यूज करूंगा तो ये कर्व हो जाएगा मगर ये मूव नहीं होगा। तो इसको अगर कर्व टू कर्व कर देता हूँ तो इस नोड को मैं मूव कर सकता हूँ। इस नोड, इस पॉइंट को, जो पॉइंट दिख रहा है इसको नोड कहते हैं। उसी तरह से हर एक शेप को आप चेंज कर सकते हैं। मगर कलर करने से पहले जानने की जरूरत है कि कोई भी क्लोज अगर कोई शेप है उसी में कलर होगा। अगर कहीं से ये टूटा हुआ है या बनाया हुआ है उसमें कलर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। और चलिए से और आगे सीखते हैं ये शेप टूल के बारे में। मान लीजिए ये है, बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक शेप है जो लिया था, ये वो। इस शेप को अगर मैं किसी तरह का मॉडिफाइड करना चाहता हूँ किसी भी तरह से, ये मान लो इसको स्टार ही बनाना चाहता हूँ, स्टार बना सकता हूँ। हुआ कुछ इस तरह हुआ। तो इस शेप को मैं एक रेक्टेंगल को स्टार में कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ जानने का जरूरत है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि इस साइड में कर्व रहे, इस तरह से घुमा हुआ रहे, तो ये कर्व करने के लिए अब इस शेप टूल के प्रॉपर्टीज को जानते हैं। इसको जानने के लिए मान लीजिए कि मेरे को इसमें से ये दोनों को नोट को मूव करना, तो मैं दोनों को इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो शिफ्ट से दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद इस दोनों पॉइंट को मूव कर सकते हैं और दोनों साथ में मूव नहीं हो रहा है। साथ में अगर मूव करना है इस पॉइंट को तो ये इलास्टिक को हटा देना पड़ेगा। ये इलास्टिक ऑप्शन अगर है ये साथ में मूव नहीं करेगा। इलास्टिक ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर दीजिए अगर एक्टिव है। इस नोट को मैं जब सिलेक्ट कर रहा हूँ ये रेक्टेंगुलर होकर के नोट सिलेक्ट हो रहा है, मगर अगर मैं इस नोट को यहाँ पे फ्री हैंड करता हूँ तो मैं इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये सिलेक्ट करने का तरीका, अगर मेरे को यहाँ पे कोई एक नोट चाहिए मैं डबल क्लिक करके नोट बना सकता हूँ या यहाँ पे प्लस दबा करके भी नोट बना सकता हूँ। और उसी तरह से माइनस जब करूँगा तो ये नोट चला जाएगा, देखिए ये नोट बन गया। और इसको माइनस करता हूँ तो चला जाएगा, या डबल क्लिक भी किसी नोट पे करते हैं तो वो चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कर्व बने, कर्व बनाना है तो ये रहा ऑप्शन, इसको कन्वर्ट टू कर्व कहते हैं। सॉरी, अच्छा मैं चाहता हूं कि इसको इससे मैं कलर कर लेते हैं। यहां पे इस नोट को मैं यहां से तोड़ना चाहता हूं, तो तोड़ने के लिए यह है ब्रेक कर्व, ये टूट गया। अगर इसको ज्वाइन करना है तो मैं इसी तरह सिलेक्ट करूंगा दोनों नोट को और ज्वाइन भी कर दूंगा, ज्वाइन हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इस जगह को मैं कर्व करूँ, अगर कर्व करना है तो मैं ये कर्व कर लूँगा, लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको पकड़ के इस तरह से मूव कर सकता हूँ, ये कर्व बन गया। इस कर्व में मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नोड बनाता हूँ, नोड बनाता हूँ, अगर कर्व के ऊपर कोई नोड है तो वो इस तरह से रहेगा, जिसका दो साइड में रहेगा, तो दो साइड में जो एरो रहेगा आप उसको मूव कर सकते हैं, ये रहा। मगर ये जब इधर मूव कर रहा हो तो इस साइड का एरो मूव नहीं कर रहा। अगर इसको हम सिमेट्रिक कर दें, सिमेट्रिक कर देंगे तो ये दोनों साइड इक्वली मूव करेगा। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो हम एक साइड में मूव कर सकते,
मगर हम चाहते हैं कि इस साइड में मूव हो मगर दूसरे साइड कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो इसको हम लोग इसको कस्प कर देंगे। कस्प कर देंगे तो इस साइड में हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो दूसरे साइड में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह है ये तीनों का काम। पहला कॉर्नर करना, मान लीजिए यहाँ पर कॉर्नर करना या कर्व है, इस साइड में करना चाहता हूँ कॉर्नर नहीं करने दे रहा तो इसको कॉर्नर कर सकता हूँ, कॉर्नर करूँगा तो ये मूव करने देगा इसको। अगर मैं इसको इस तरह से स्मूथ करता हूँ तो इच्छा से मैं इसको घुमा सकता हूँ। अगर इसको सिमेट्रिक करता हूँ तो दोनों साइड इसका इक्वली मूव होगा। यह है ये तीनों कर्व करने का तरीका। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके राइट साइड में माने कि एंटी क्लॉकवाइज ये कर्व बनेगा। ये इस साइड कर्व नहीं बना है ना। मगर अगर हम ये देखिए इस पॉइंट नोट को फिर से क्लिक किया, अगर इस कर्व को रिवर्स कर देते हैं डायरेक्शन में तब हम इस साइड भी कर्व कर सकते हैं। ये नॉर्मली हम लोग इसको एक ही डायरेक्शन में रखते हैं। अगर मेरे को इसके दूसरे साइड में कर्व करना है तो मान लीजिए इस साइड में करना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा तो इसको कर्व कर लूंगा। अगर इसको कर्व करना है तो इसको क्लिक कर लूंगा। तो नॉर्मली एक डायरेक्शन रखते हैं जिससे कन्फ्यूजन कम होता है। उसके बाद है ये वाला पॉइंट। ये है अगर कोई नोट अगर अलग है, मान लीजिए ये नोट अलग है ना, इसको ज्वाइन करना है ना, तो आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेम है, मान लीजिए इसको भी ब्रेक करते हैं फिर से। ये आप ऑटो क्लोज कर्व है, अगर इसको भी करते हैं तो ये भी इस तरह से ज्वाइन कर देगा। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी पॉइंट को ज्वाइन करता है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, और ये है ऑटो क्लोज कर्व। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि मान लीजिए ये शेप है, इसको यहां से भी तोड़ देते हैं, ये हो गया, और इसको यहां से भी तोड़ देते हैं, यहां से तोड़ दिया, ये दो अलग अलग हो गया। मगर मैं अगर चाहूंगा कि ये दोनों नोट को मैं ज्वाइन करूं तो मैं इससे ज्वाइन कर सकता हूं, ठीक है। मगर इसको अंडू करते हैं, अगर मान लीजिए कि मैं इसको ऑटो से करता हूँ तो यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा जो भी शेप ये लाइन जहाँ पे एंड हो रहा होगा। अंडू कर लाइन जहाँ भी एंड हुआ वहाँ से ये क्लोज हो जाएगा। मगर ये जिस जिस नोड को मैं सिलेक्ट करूँगा उसके बीच में ज्वाइनिंग कराता है। ये है इन दोनों में डिफरेंस। अब उसके बाद ये क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये शेप यहाँ से ज्वाइन हो जाए या अलग हो जाए। ये दोनों देखिए इस ये इसको चलिए क्लोज कर देते हैं। मेरा क्लोज किया, अगर हम ये देखिए ये दोनों जुड़ा हुआ एक ही शेप है, मैं चाहता हूँ ये दोनों अलग हो जाए। अलग करने के लिए मैं इस नोट को सिलेक्ट करूँगा किसी एक को और इसको एक्सट्रैक्ट सब बात करूँगा। ये देखिए एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब मैं पिक करूँगा और इसको मूव करूंगा, अलग हो गया। ये सिंपल ये इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया इस जगह से। उसी तरह से नेक्स्ट टूल है मान लीजिए ये वाला हाँ। ये है नोट को आप किसी भी तरह से मान लीजिए इसको मैं इस दोनों नोट को मैं मूव करना चाहता हूँ, ये तो उसी के लिए काम आता है करके मूव करना, ठीक है। सेम है मगर ये माउस से करने में बेसिक सुविधा, इसको घुमाना है। मान लीजिए इस शेप को थोड़ा सा मेरे को कर्व करना है, इस तरह कर सकता हूँ ये इसके लिए। और ये है मेरे को इसको मान लीजिए वर्टिकली, ये दोनों मान लीजिए थोड़ा ऊपर नीचे है, मेरे को ये हॉरिजेंटली सेम चाहिए तो मैं ये दोनों हटा दूंगा। ये हॉरिजेंटली अलाइन करना, ये अलाइन मान लीजिए नहीं समझ में आया तो ये देखिए ये दोनों ऊपर नीचे है ना, इसको मेरे को हॉरिजॉन्टली यहाँ यहाँ स्ट्रेट में होना चाहिए,
मैं इसको हॉरिजेंटली स्ट्रेट कर देता हूँ। हो गया स्ट्रेट। इसी तरह का वर्टिकली मान लीजिए ये अलग अलग है ना, इस दोनों नोट को वर्टिकली मेरे को सेम करना, तो उसके लिए ये रहा इसको हटा दूंगा, ये रहा वर्टिकली है इसको कर दिया स्ट्रेट, हो गया ना। तो ये इसका काम। अब इस दोनों का काम क्या है, ये दोनों पॉइंट का काम है। अगर मान लीजिए कोई एक शेप, इस शेप को मैं डिलीट करता हूँ, ये शेप का काम नहीं। अगर मान लीजिए एक शेप किया, सर्किल ले लिया, कन्वर्ट टू कर्व किया, कलर कर दिया, इसको मैं ऊपर से या इस दोनों पॉइंट को, हो गया इन दोनों पॉइंट को, या यहाँ से मान लीजिए कि मैं इसको तोड़ दिया इसको यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे को इसको हाफ हाफ सर्किल करना, तो हाफ हाफ करना तो मैं ऑटो करूँगा, दो हाफ बन जाएगा, है ना। तो दो हाफ बन गया, तो इसको थोड़ा अलग करके देखते हैं, देखिए क्या होगा। दो हाफ बन गया है ना, मैं चाहता हूँ कि इसका बटरफ्लाई बने, है ना। ये रहा, ये तो घूम रहा है, इसको सिमेट्रिक को हटाना पड़ेगा, पूरा तो सिमेट्रिक नहीं चाहिए, ये चाहिए क्योंकि ऊपर वाला बटरफ्लाई का बड़ा होता है। चलिए ये रहा। वो नहीं, इसको कर्व करते हैं, ये कर्व करते हैं, थोड़ा सा भीतर जा करके इसको बाहर करते हैं, हो गया। वह इसी चक्कर में जब बटरफ्लाई बना रहा था तो मेरे को तो दूसरा साइड भी चाहिए, ये साइड भी चाहिए। जैसे ही हम इस तरह का शेप में अगर इन दोनों शेप को ठीक करना चाहते हैं, तो ये रहा ऑप्शन, इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर चेंज करना है तो देखिए चेंज होगा ना। तो अगर इस तरह का कोई शेप है जिसको आप चेंज करना चाहें इस तरह से, ठीक है। अब मेरे को इस दोनों साइड में थोड़ा सा भीतर लेके आना है, ये रहा हॉरिजॉन्टली आ रहा, वर्टिकली ऊपर जा रहा। मगर अगर हम इसको वर्टिकली भी करते हैं, इसको जैसा चाहे वैसा मूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हॉरिजॉन्टली छोड़ दिया, तो ये इधर जाएगा इस तरह से, दोनों राइट साइड लेफ्ट ऊपर। मगर अगर हॉरिजॉन्टली करते हैं तो इनसाइड आउटसाइड, यह है इनका काम। मगर ये टूल यूज करने के लिए डीएक्टिवेट रहता है, इसके लिए दो शेप होना पड़ेगा, दोनों शेप को दो नोट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शन काम करेगा। अच्छा चलिए, इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है कि मान लीजिए ये शेप है, मैं इसको पकड़ करके मूव करता हूँ, ये इलास्टिक हो रहा, इस तरह से मूव हो रहा है ना। मान लीजिए ये दोनों नोट है ना, ये दोनों नोड है ना, इसको हम लोग मूव करते हैं, ये रहा जा रहा, हम लोग इसको हटा देते हैं, ये अब इसको मूव कर पा रहे हैं। मैं चाहते हैं कि इसको इलास्टिक टाइप से करें, है ना। चलिए इससे हटाते हैं, नया कुछ बनाते हैं, एक रेक्टेंगल लिया, कॉर्नर टू कर दिया, अब ये टूल लिया। अब इस टूल का ये पॉइंट है, ये पॉइंट, मैं ये दोनों पॉइंट को साथ में मूव करना चाहता हूँ, ये पर नहीं हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ दोनों साथ में, तो ये इलास्टिक को हटा दिया, तो ये दोनों साथ में मूव हो रहा है, पर इलास्टिक दोनों को इलास्टिसिटी देता है, अब अलग अलग कर इन दोनों को अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये अलग अलग मूव करे, ये इलास्टिसिटी हटा देते हैं, तो ये दोनों से इस तरह से मूव करे, यही है डिफरेंट। ये है सारा नोट को सिलेक्ट करने के लिए, बस इतना ही। और ये है नोट, अगर मान लीजिए कि मेरे मैं यहाँ पे कर्व बनाया, कर्व है ना, कर्व है ये, मैं बहुत सारा नोट है,
चाहता हूँ कि इतना सारा नोड यहाँ बना रहा है, कर रहा है, मगर ये नोड इतना नहीं चाहिए, तो हम इस नोड को यहाँ से कितना रेशियो में कम करना है उसको कर सकते हैं। कर है मगर वो नोड चला गया। कोरल में आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक लोगो बनाते हैं। मैं ये लोगो इंटरनेट से डाउनलोड किया हूँ, अब इस पर हम लोग प्रैक्टिस करना सीखेंगे। ये सब सिंपल लोगो है, तो इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए इसके लिए हम सबसे पहले लोगो के ऊपर ही लोगो बनाना सीखेंगे, जिससे हम लोग का लोगो थोड़ा परफेक्ट बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये नाइकी का ये लोगो है, या ये सर्किल वाला एक लोगो है। चलिए सबसे पहले सर्किल वाला बनाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इजी है। तो सर्किल वाला बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्किल लेते हैं, परफेक्ट सर्किल करने के लिए कंट्रोल लेकर के बनाते हैं। इसको इधर सर्किल बढ़ाते, देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, तो कॉर्नर से इसको छोटा करूँगा, तो ये सर्किल में छोटा होगा, ओवल नहीं बनेगा, हो गया ये। और इसके नीचे एक वाइट सर्किल है, उसको लिए मैं शिफ्ट दबा के इसको छोटा करूँगा, ये वाइट वाला बन गया। राइट क्लिक किया तो कॉपी हो गया। उसके भीतर हर एक रेड है, तो मैं उसको और छोटा किया और राइट क्लिक किया, हो गया। अब मैं पिक टूल लेता हूँ, तो अब कलर करना शुरू करता हूँ। सबसे बाहर वाला का कलर है रेड, उससे भीतर वाला का था व्हाइट, उससे भीतर वाला का कलर था रेड। अब इसका बॉर्डर कलर मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं इसका बॉर्डर कलर नो कलर करता हूँ, इसका बॉर्डर कलर नो कलर करता हूँ, इसका बॉर्डर कलर नो कलर करता हूँ, बन गया। अब इस तीनों को शिफ्ट से मैं सिलेक्ट करता हूँ, लोगो बन गया, हो गया ये। अब इस लोगो को एक साथ रखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको ग्रुप कर देते हैं। कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, नहीं तो यहाँ पे ग्रुप है, या राइट क्लिक करके भी आप ग्रुप कर सकते हैं। कर दिया, इससे ये मूव करने में सुविधा होगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा है नाइकी का, इसका बनाते हैं। चलिए इसको भी ये लगभग सर्किल से बनाए तो ज़्यादा इजी होगा, इसीलिए कोशिश करता हूँ सर्किल से बनाने के लिए। तो एक सर्किल लिया, इसको कन्वर्ट तो कर दिया। इसका कलर बैकग्राउंड का कलर सेम है, इसलिए मैं इसको येलो कर देता हूँ, इजी होगा। शेप टूल लिया, शेप टूल लेकर के इसका एक नोड यहाँ पे लगाया जहाँ पे स्टार्टिंग, और एक नोड वहाँ पर लगाया जहाँ पर एंडिंग। तो यहाँ पे कॉर्नर है, इसलिए इसको कॉर्नर ले लेते हैं, इसको कस्प कर देते हैं, स्टार्टिंग के इस पॉइंट को भी कस्प कर देते हैं। अब इसको बनाना शुरू करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं और इसको सीधा करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं माउस से, तो बनाना थोड़ा इजी हो। ये वाला नोट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, और एक नोट दे रहा हूँ, बताएगा ये मेरा स्टार्टिंग का लगभग बन गया। डाउन अब इस नोट को मैं कस्प कर दूंगा, जिससे कि आगे का डिजाइन डिस्टर्ब ना। उसके बाद इस पॉइंट को मैं मूव करके हिला लूंगा, यहाँ पे मिल नहीं रहा इसको, ये यहाँ पे एक नोड बनाता हूँ, इसको थोड़ा भीतर कर देता हूँ। हो गया, अब नीचे का हो गया, ऊपर का बनाते हैं।
ऊपर बनाने के लिए स्विम करते हैं, ये एरो को पकड़ के नीचे लेके आते हैं, मेरा इस पुराने नोट को फैक्स डूब ऊपर देते हैं। अब जितना बन रहा है उतना बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक अच्छा से बन गया तो मैं यहाँ पे ये नोट को थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसको यहाँ बिठाता हूँ, यहाँ तक बन गया है, इतना दूर बन गया तो यहाँ पे एक नोट दे दिया। ये नोट डिस्टर्ब ना करे इसलिए इसको कस्ब कर देता हूँ। अब इसको यहाँ से मिला देता हूँ। अगर ये नोट यहाँ से उठा हुआ है तो इसको यहाँ से सीधा कर देता हूँ। यहाँ पे ये नोट नीचे जा रहा है तो इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ। हो गया। अब एरो लेता हूँ, एक कलर कर देता हूँ, ग्रीन देखते हैं, बन गया। इसका बॉर्डर कलर येलो है, मेरे को नहीं चाहिए, इसका कलर ब्लैक है इसलिए ब्लैक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट लोगो बनाते हैं जो है मैकडोनल्ड का। ये एम को अगर बनाना है तो क्या से बनाए, क्या से बनाए, सर्किल से बनाए, रेक्टेंगल से बनाए, चलिए इससे बनाते हैं रेक्टेंगल से। यहाँ बनाया और तो कर दिया, ये लगभग यहाँ से शुरू करते हैं, सेफ टूल लिया, इसके एक साइड से शुरू करते हैं, इसको इस कॉर्नर में रखा, जूम आउट किया, इसको इस कॉर्नर में रखा, हो गया। अब ये एक साइड तो मिल गया, अब बाकी बनाना, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहले आउटसाइड का बनाते हैं, आउटसाइड का जो इसका, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक मिड पॉइंट बनाते हैं, मिड पॉइंट को मिड में रख देते हैं, मिड पॉइंट के लिए मिड में रख दिया। ओके, अब इसको हटा देते हैं। अब इस मिड पॉइंट से यहाँ पे कर्व करते हैं, कर्व करके इतना दूर तक मिल गया, है ना, इतना दूर तक लगभग मिल गया, ये मिल गया। यहाँ पे इसको पॉइंट दे देते हैं, इसको कस्ब कर देते हैं। अब इसको इधर से मिला, मिल गया, हो गया। अब इस साइड को सुनते हैं, इसको भी इसी टाइप करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, नोट को पकड़ते हैं, कर्व करते हैं, कर करके इसको मिलाते हैं, मिल गया। यहाँ का यहाँ पे नोट बनाते हैं, इसको जूम करते हैं, इसको मिला देते हैं, मिल गया। अब इसका नीचे का शुरू करते हैं, नीचे का। अब इस कॉर्नर पे एक नोट बनाते हैं, ओके, और इधर पे एक नोट बनाता है, इस नोट को यहाँ पर रख देते हैं, हो गया। अब इस नोट को इधर भी रख देते हैं, हो गया। अब इस साइड का कर्व बनाना, इसको क्लिक किया, कर्व किया, लेके जाते हैं, नहीं मिल रहा, इसको एक साइड को मिलाते हैं, कस्ब कर देते हैं, फिर एक साइड को मिला, यहाँ पर थोड़े कस्ब कर देते हैं, अब इस साइड को मिला देते हैं, मिल गया। सेम यहाँ पे ही करते हैं, इस नोट को पकड़ते हैं, कर्व करते हैं, ऊपर लेके गया, और सर इसको यहाँ पर नोट बनाना, हम लोग भूल गए, यहाँ पर नोट बनाते हैं, यहाँ कर्व हो जा रहा है, इसको हम लोग स्ट्रेट कर देते हैं। अब इसको इस पॉइंट को बना देते हैं, अब निकल देते हैं, हो गया, हो गया।
राइट साइड का, ठीक है। तो यहाँ को एक नोड बनाता है, ये पास कर देता है इसको इस तरह से, और इसमें येलो कर देता है। अब बॉर्डर कलर नहीं चाहिए, बॉर्डर कलर हटा देते हैं, मेरा आपका बन गया येलो, हो गया। अब अगला लोगो बनाते हैं, ट्राई करते हैं ये बनाने, इसमें देखते हैं कौन सा से लेने से ज़्यादा परफेक्ट होगा। मेरे ख्याल से सर्किल, सर्किल लेते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, इस सर्किल को जितना करते हैं इसमें मिलाने को मिला लेते हैं, कन्वर्ट कर करते हैं, सेव टूल लेते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं इसको इससे मिलाने का। ये दो तो कॉर्नर में, ये कॉर्नर मिलाने के लिए हम जैसे इस कॉर्नर को मिलाना है तो हम इसको कस्प कर लेंगे, इस कॉर्नर को भी कॉर्नर में मिलाना है, इसको भी पेस कर लेंगे, इसके बाद इसको मिलाते हैं, मिल गया, ये मिल गया, ये मिल नहीं रहा है, इसको इसको चेंज करते हैं, इसको भी करते हैं, स्मूथ कर लेते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं, नहीं मिल रहा। ऊपर वाले इस नोट को हम कास्ट कर लेते हैं, तंग कर सकते, अब इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, मिल गया, अब इसको मिलाते हैं, ये वाला पॉइंट थोड़ा तंग कर रहा है, तो इसको मिल गया, इसको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट से मेरे को यहाँ से स्ट्रेट चाहिए, स्ट्रेट किया, जूम करते हैं, इसको यहाँ रखना चाहिए, इसको यहाँ रखना चाहिए, यहाँ पर और एक नोट चाहिए मेरे को, और यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट किया, यहाँ से भी स्ट्रेट रहते ज़्यादा सुविधा, इसको यहाँ पर नोट किया, यहाँ नोट है, इधर पे इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, इसको यहाँ पे इसको कस्ट करते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं, इसके बाद का कॉर्नर मिलाते हैं, इसको कॉर्नर मिलाना है, जो कॉर्नर मिलता है स्ट्रेट कर देते हैं, मिल गया। यहाँ पे भी एक नोट चाहिए जो यहाँ पे बैठेगा, यहाँ से ये भी स्ट्रेट होगा। अब इसको सर्कल करना है, इसको आराम से पकड़ के सर्कल कर, कॉर्नर कर लेते हैं, तो ये मूव करने देगा, आउटर, आउटर का बन गया, थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं, अब बचा भीतर का पार्ट, भीतर का पार्ट के लिए फिर से एक सर्किल लेते हैं, इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इसको यहाँ से बड़ा करते हैं, कोशिश करते हैं इसको मिडिल में मिला, इस साइड से, अब इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं,
अब इस शेप में लाने का कोशिश करते हैं। शेप टूल ले लिया, अब से किसी एक साइड से शुरू करेंगे, देखिए इस साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर तो कस्ट कर लेते हैं तो ये हो, यहाँ पे मेरे को नोट चाहिए, इसको यहाँ रखना है, इसको कस्ट करना है, इसको मिला देना, यहाँ पे एक नोट इसको हटा दें, इसको मिला के मिल गया। नेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे एक नोट लेते हैं, उसको भी कष्ट करते हैं, कष्ट करके इधर पे नोट लेते हैं, यहाँ पे भी लेते हैं, फिर कष्ट करते हैं, इसको इधर पर ऊपर रखते हैं। पे नोट लेते हैं, कॉर्नर में लिखते हैं, कैश कर लेते हैं, और एक नोट लेते हैं, इसी तरह से सब जगह पे कैश कर लेंगे तो जिससे वो कॉर्नर में असुविधा नहीं करे। इसी तरह से यहाँ पे भी करते हैं, करके उसको भी कष्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट लेते हैं, यहाँ पे उठाते हैं, ओके, इसी तरह से उठाते हैं, यहाँ पे नोट देते हैं, कॉर्नर उठाते हैं, वो कष्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी अपने नोट भी उठाते हैं, उसको कष्ट कर लेते हैं और इसको मिला देते हैं, यहाँ पे भी एक नोट देते हैं और नोट उठाते हैं, कष्ट कर लेते हैं, उठाते हैं, कष्ट कर लेते हैं और इसको मिला करके कर्ज करते हैं। इस तरह से सब में करना है, इसको हाँ मिलाते हैं, इसको कष्ट कर लेते हैं, इस साइड में करते हैं, इस तरह से कॉर्नर मिलाते हैं, कष्ट कर लेते हैं, सेट मिला देते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह से कॉर्नर मिलाते हैं, कष्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे वैसे ही करते हैं, नोट लेते हैं, कष्ट कर लेते हैं, यहाँ का नोट नहीं चाहिए, इसको कष्ट कर लेते हैं तो ये भी असुविधा नहीं करेगा। ओके, अब इधर का मिलाते हैं, इधर पे स्ट्रेट लगेगा, यहाँ मिलाते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लगेगा, स्ट्रेट कर देते हैं, यहाँ पे कॉर्नर मिला है, फिर यहाँ पे मेरे को नोट चाहिए, फिर पे इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर मिलाते हैं, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, इस तरह से सारा जगह पे इसको मिला लेते हैं, मिला लेते हैं, नोट दिया हुआ है, यहाँ पे मिलाते हैं, इसको कष्ट कर लेते हैं कि असुविधा न करें, इसको फिर टाँग के यहाँ देखिए, यहाँ पर कष्ट नहीं किया, हाँ यहाँ पे इसे कर दिया, अब मेरे इच्छा के अनुसार ये मूव करेगा, इधर पे नोट देते हैं, इसको कष्ट कर लेते हैं, स्ट्रेट भी कर लेते हैं, स्ट्रेट लगेगा,
करना हो जाता है। हो गया। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे उठाते हैं, इसको कास्ट भी कर लेते हैं, स्ट्रेट भी कर लेते हैं। हो गया। अब यहाँ पे करके स्ट्रेट कर लेते हैं, लगभग आउटसाइड का बन गया। अब ये कॉर्नर निकालते हैं, ये कॉर्नर निकाल के एक पॉइंट बनाते हैं नोड, और इसको कस्ट कर लेते हैं या इसको स्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ पे कर्व है, तो मैं सबसे पहले इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ, तो ये तंग नहीं करेगा, ये स्ट्रेट करता हूँ। अब इसको इस तरह से काम करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट करता हूँ, अब इसको नीचे मूव कर लेता हूँ। इसी तरह से बाकी सब नहीं करेंगे, जैसे स्ट्रेट करते हैं, यहाँ पे नोट देते हैं, इसको नीचे टांग देते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रेट करते हैं, नोट देते हैं, ये किसी यहाँ पे कष्ट नहीं किया, अंडू करते हैं, यहाँ पे कष्ट नहीं किया, कर दिया। इस तरह से स्ट्रेट करते हैं, यहाँ पे नोट देते हैं और इसको नीचे डालते हैं। इसको भी स्ट्रेट करते हैं, नोट देते हैं, हाँ इसको भी इसी तरह से नोट देते हैं। हो गया। अब थोड़ा नीचे का मिला, ये वाला नोट इधर आएगा, ये नोट इधर आएगा, ये नोट इधर आएगा। हो गया। अब कलर ये होगा येलो, आउटर का जो होगा वो होगा रेड। मेरा ये बन गया, और इन दोनों को सिलेक्ट करके बाहर ले जाते, सेव दबा करके दोनों इमेज को मैं सिलेक्ट किया, फिर बाहर ले करके आया। अब इसका मेरे को बॉर्डर का कलर नहीं चाहिए, जो ब्लैक है, इसको नो कलर कर, फिर बन गया। दोनों को मिला करके अब ग्रुप कर देते हैं। ओके, ये भी बन गया। अब एप्पल का ये सिंबल बनाने का कोशिश करते हैं। इसमें देखिए लगभग कुछ सर्कल सर्कल टाइप का है, कोशिश करते हैं सर्कल से बनाने का। एक सर्कल दिया, ये पीछे का इमेज ब्लैक कलर का है, मेरा सर्कल का बॉर्डर कलर ब्लैक है, इसलिए इसको कलर चेंज करता हूँ, येलो कर लेता हूँ। अब इसको कर्व टू कर्व करता हूँ और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे को कस्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट है, इसको उठाते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर भी मेरे को कस्ट चाहिए, क्योंकि ये भीतर जाएगा मेरा। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरा ऊपर का जो बनाया था वो रजिस्टर करता हूँ, अंडू करता हूँ, तो इस पॉइंट को कष्ट कर ले, तो ये मेरे को तंग नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ये मिलाना नहीं दे रहा, तो मैं एक तो नोड बनाता हूँ, या इसको इस तरह से करता हूँ। यहाँ पर नोड चाहिए, नोड ये थोड़ा जूम कर,
है सेट का, इसी तरह से यहाँ पे भी करते हैं। कस्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये मेरा से कर देगा। यहाँ पे एक नोट लेते हैं, कॉर्नर लेते हैं, इस नोट को हटा कर फिर जब ये नोट कॉर्नर ज़्यादा ले लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको ब्रश करता हूँ। अब इसको मिलाता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे भी डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे एक नोट दे मिलाने का कोशिश करता हूँ। इतना दूर का सेट मिल गया, यहाँ पे मिल गया, मैं यहाँ पे एक नोट दे देता हूँ, तो तंग करेगा इसमें। यहाँ पे मिला, यहाँ पे नोट दे देता हूँ, नोट दे देता हूँ। कभी जब मिलाने में ज्यादा असुविधा हो तो आप बहुत सारे नोट दे सकते हैं, जिससे आपको मिलाने में सुविधा हो। इस नोट को मैं हटा देता हूँ, सेट मिल गया है एप्पल का। यह है कलर ब्लैक, ब्लैक कर देता हूँ। अरे ये क्या हुआ, यह तो सारा ब्लैक हो गया। तो इसको पहले ट्रांसपेरेंट करता हूँ, और इस कटे हुए एप्पल की जगह पे एक सर्किल बनाता हूँ। ठीक है, इसको करता हूँ वाइट, इसका बॉर्डर कलर भी कर देता हूँ नो बॉर्डर। अब इस एप्पल को मैं ब्लैक करता हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर का बनाना है, ऊपर का बनाना है, कैसे बनाऊँ कैसे बनाऊँ, सिंपल है, रेक्टेंगल से बनाता हूँ। मेरे को थोड़ा इजी लगेगा, इसको कन्वर्ट टू कट किया, नोट लिया, इस कॉर्नर में उठाया, दूसरा नोट लिया, इस कॉर्नर में बिठाया, इसको कर पर दे दिया, इस नोट को उठा दिया, यहाँ पे बैठ गया। अब ये इस तरह से बैठा तो मगर ये परफेक्ट नहीं बैठ गया। अब इसको भी इस तरह से बैठ गया, और इसको भी हटा देता हूँ, हटा करके इसको भी कर करता हूँ करके, और इसको यहाँ पे पकड़ के बैठा दिया। यहाँ पे मिला नहीं इस जगह, इसको मिलाने के लिए एरो का पर्चा एडजस्ट कर दिया। अब इस एरो पर इधर की जगह हो गया, इसका कलर ब्लैक है, बॉर्डर कलर ट्रांसपेरेंट कर दिया, एरा बन गया एप्पल का लोग। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं मेरा, और ये वाइट वाला को कर लेते हैं, तो ये दिखने में एप्पल का लोग बनेगा, इसका बॉर्डर कलर ट्रांसपेरेंट कर लिया, बन गया आपका एप्पल का लोगो, इसको भी ग्रुप कर लेते हैं। हो गया। अब ये लास्ट जो इमेज है ये थोड़ा टफ दिखने में लग रहा है, मगर ये इतना टफ है नहीं, इसको भी बनाना आसान। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, इसको किसी एक साइड से शुरू करते हैं, इस साइड से शुरू करते हैं,
ये एक शेप है, ये एक शेप, इसको बनाते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल को हैंडल करना थोड़ा सर्कल से ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसके कर्व होता नहीं है, जहाँ मन वहाँ कर बना सकते। चलो मैं नोट को उसके जगह पे मिला रहा हूँ। अच्छा ओके, अब इसको कर पर, इसको कर करते हैं सबसे पहले, इसको कर करते यहाँ लगा दिया, इसको कर किया यहाँ लगा दिया, इसको कर किया इसको यहाँ पर बना दिया, इसको कर किया यहाँ पर बना दिया, इसको कर किया थोड़ा सा नीचे किया, इसको थोड़ा सा ऊपर किया, नीचे किया, बन गया। आपका ये शेप बन गया। इसी तरह से सारा शेप बना सकते हैं, कोई भी है किसी तरह का भी शेप बना सकते हैं। इस तरह से बना करके आपको ये अलग 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 पार्ट करके बनाना, बना करके कंप्लीट करना। देखिए इसके लिए ये रेक्टेंगल ले लीजिए, यहाँ से रेक्टेंगल लिया, फिर से चला लिया, इसको कन्वर्ट टू कर्व किया, नोट को लिया यहाँ बिठाया, इस नोट को लिया यहाँ पर बिठाया, इस नोट को लिया यहाँ पर बिठाया, फिर वही कन्वर्ट टू ये कर्व करना, कर्व किया यहाँ बिठाया, इस नोट को नीचे लिख रहा है, यहाँ पर सेम करते हैं, इसको अब स्टोरी है नेक्स्ट का, नेक्स्ट में जाते हैं इस तरह से कॉपी करके। तो मेरे ख्याल से कॉपी करने से बेटर है, रेक्टेंगल से बनाते ज़्यादा इजी है। करते हैं, कर लिया, इसको इधर पर बिठाया, इसको इधर पर बिठाया, फिर इसको लिया, इसको कर किया, इसको यहाँ पर बिठाया, इसको यहाँ पर बिठाया, फिर नेक्स्ट। इसी तरह से सारे कर्व को बनाएंगे, बनाने के बाद इसको वाइट कर देंगे। देखिए ये जो कर्व है, ये तीनों को सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ क्लिक करके तीनों सिर को सिलेक्ट किया और वाइट कर दिया। अब मेरे को ऐसा ही सेप राइट साइड में चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको फ्लिप करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लिप है, मिरर करके फ्लिप हो गया है, इसको इस जगह पर बिठा लेंगे। इसी तरह से बाकी सब शेप को भी बिठा लेंगे जब बनाएंगे। बढ़िया हो गया। इसी तरह से इस साइड का जो बाल है इसको इस साइड बिठा सकते हैं, इस साइड का जो शेप है उसको इस साइड बिठा सकते हैं। इस तरह से आप पूरा ये लोगो को बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो और परफेक्ट होता जाएगा, जितना कोरल में प्रैक्टिस किया जाता है उतना हाथ और साफ होता है, और जिससे जैसा चाहे वैसा आप लोगो या कोई डिजाइन बना सकते हैं। शेप टूल के लिए, प्रैक्टिस के लिए लोगो परफेक्ट है।